तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक टू त्यागी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग अपने कस्टमर का ऑर्डर प्लेस करते समय कैसे अपना उसमें मार्जिन ऐड कर सकते हैं और अपने कस्टमर का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर रिसेलिंग से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कर लेंगे अपने मीशो ऐप को ओपन। ओपन करने के बाद आप लोगों को ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पे आप लोगों के पास जिस भी प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है आप लोग वो यहाँ पे विश लिस्ट में जाना है। विश लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को प्रोडक्ट मिल जाएगा। विश लिस्ट में रखने से प्रोडक्ट में ये फ़ायदा होता है फ्रेंड कि आप लोगों को सर्च नहीं करना पड़ता है प्रोडक्ट, जिस भी प्रोडक्ट का आपके पास ऑर्डर आया है। तो यहाँ पर आप लोग इसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग कलर सेलेक्ट करके यहाँ पे साइज सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम कर देंगे ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट करने के बाद हम कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड न्यू एड्रेस का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपके पास न्यू कस्टमर है तो आप लोग यहाँ पे पूरी डिटेल जाके यहाँ से फिलअप कर सकते हैं अपने कस्टमर की। सबसे पहले नाम फिलअप करना होगा, फिर फ़ोन नंबर, फिर एड्रेस, हाउस नंबर वगैरह यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। कलोनी, पिन कोड, सिटी, स्टेट और नियर बाई। तो मेरा पहले से ही यहाँ पे एक एड्रेस फिलअप किया हुआ है, तो हम इसको एड्रेस को सिलेक्ट कर लेंगे। डिलीवर टू दिस ऑर्डर पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पे जिस भी मेथड से आपका कस्टमर पेमेंट करना चाहता है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट। कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे कि आप लोग अगर कस्टमर को सेल कर रहे हैं तो यस कर दीजिए, और ख़ुद के लिए अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं तो नो कर दीजिए। और ख़ुद के लिए अगर ले रहे हैं तो नो कर दीजिए और नहीं तो यस कर दीजिए। तो यहाँ पे हम यस कर देंगे। हम कस्टमर को दे रहे हैं तो यहाँ पे हम डाल लेंगे अपना फाइनल प्राइस। तो फ्रेंड, 262 की जैसे कि ये टी शर्ट है तो हम यहाँ पर अपना मार्जिन ऐड करके यहाँ पर हम अपना फाइनल प्राइस डाल लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको फाइनल प्राइस डालना है, ना कि अपना मार्जिन डालना है। तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं 300 रुपये और यहाँ पे हमारा मार्जिन नीचे दिखा रहा है, ग्रीन कलर में आ रहा है। 38 रुपये हमारा यहाँ पे मार्जिन हो जाएगा। जो भी आप लोगों ने कस्टमर को अपना मार्जिन जोड़ के बोला है फाइनल प्राइस, तो यहाँ पे लिखने के बाद हम कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से आप लोग कर लेंगे प्लेस ऑर्डर। तो इस तरीके से आप लोग अपना मार्जिन ऐड करके कस्टमर को प्लेस कर सकते हैं।